हे गाइस, वेलकम टू द स्पाइस विज़ार्ड चैनल। तो आप सबकी डिमांड पे आज मैं लेके आई हूँ एक वेजिटेरियन रेसिपी जो बहुत ही सिमिलर होता है पनीर का। बट पनीर बनता है हमारे काऊ मिल्क से, बफेलो मिल्क से, बट आज हम बनाने वाले हैं सोया मिल्क का पनीर जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। और ये आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में मलाई ग्रेवी ऑफ टोफू। टोफू मलाई ग्रेवी बहुत ही क्रीमी, सॉसी इन्फ्यूज़ विद एरोमेटिक स्पाइसेस लाइक क्यूमिन, कोरिएंडर। वो रेसिपी मैं आपको दूंगी। सो इट्स अ वेरी फ्लेवरफुल एंड सेटिस्फाइंग वेजिटेरियन ऑप्शन, परफेक्ट फॉर पेयरिंग विद राइस और नान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने यहाँ पे टोफू को वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद से आपको इसे जिस किसी भी शेप में आपको इसे कट करना है उस शेप में आप कट कर सकते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, एनी शेप यू वांट। सो मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लिए हैं, इक्वल्स क्यूब में यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं टोफू को। उसके बाद से इसमें जो वेजिटेबल्स मैं डालने वाली हूँ वो है ऑनियन और कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लिया है एंड ऑनियन को भी सेम फॉर्म में कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। उसके बाद से हम जितने भी टोफू को हमने क्यूब्स में कट किए थे सारे टोफू को मैं यहाँ पे ऑयल में डाल दूँगी और इसे शैलो फ्राई कर दूँगी। सो मीनवाइल कुकिंग दिस रेसिपी I saw that tofu offers a numerous health benefits including like rich in protein, low in calories and high in iron and calcium। बहुत ही हेल्दियर होता है ये। इसका टेस्ट भी सिमिलर पनीर जैसे ही आता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर लिए हैं कुछ मसाले, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। इसे हम अच्छे तरीके से टॉस करके इसे हमें शैलो फ्राई कर लेना है जब तक हल्के हल्के गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें। तो यहाँ पे मैं शैलो करके, टॉस करके, फ्लिप करके अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो टोफू ऑल्सो इंक्लूडिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए और इन्फ्लेमेशन भी बहुत ही रिड्यूस करता है। ये टोफू को बीन कर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए टोफू हमारा रेडी हो गया है। तो इसे मैं एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। डालूँगी पैन में, फिर से ऑयल डालना है मुझे 1 टेबलस्पून। उसके बाद से जो हमने ऑनियन और कैप्सिकम को क्यूब्स में कट किए थे उसमें ऑयल में डाल दूँगी और इसे भी हमें हल्का हल्का सौंधा सा फ्राई कर लेना है। बस शैलो फ्राई करना है इसे, इसका क्रंचनेस जाना नहीं चाहिए। तो मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे फ्राई कर दूँगी टॉस करके। इसका बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स होता है प्लांट बेस्ड, इसमें हाई प्रोटीन होता है। ये बहुत अच्छे से अपना जो बाकी की डिसीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल द टाइप्स ऑफ डिसीज सच एज द हार्ट डिजीज, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे हमारा बन चुका है, फ्राई हो चुका है। इसे मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो अब ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑनियन 1, एक ऑनियन लिया है मीडियम साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। उसे कट करके मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर दूँगी। उसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़ी लाल मिर्च ली है सूखी वाली, चाहे तो आप इसमें कैश्यूज़ भी डाल सकते हो। सारे चीज़ को फ्राई करने के बाद से मैं इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। उसके बाद से मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ चिली पाउडर यानी कि मिर्ची पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून गरम मसाला, फिर 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, फिर 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। फिर मैंने इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए सो मैंने यहाँ पे पानी डाला है थोड़ा सा। उसके बाद से मैंने यहाँ पे डाला है ड्राई कोरिएंडर। हाफ टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर डाला है मैंने। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, वो नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी डाल सकते हैं। उसके बाद से मैंने डाला है कैशू नट्स। कैशू नट्स डालने के बाद से मैंने उसे अच्छी तरह से हाई स्पीड पे उसे ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है। उसके बाद से मैंने लिया है सेम पैन, उसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, देन हाफ टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और थोड़ा सा और फ्लेवर आने के लिए मैंने उसमें डाला है करी लीव्स। उसमें क्रैक्स आने के बाद से मैंने यहाँ पे डाला है जो हमने मसाला रेडी किया था ग्रेवी के लिए, वो तो यहाँ पे मसालों को मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे इसे मैंने भून लिया है जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब आपका ऑयल यहाँ पे साइड में फ्लोट होने लगेगा तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला एकदम अच्छे तरीके से भून लिया है। सो ये देखिए मसाला एकदम रेडी हो चुका है और ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इसके तो हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स एंड टोफू फ्राई करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से मैं इसे कुक करूँगी 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे लिड लगाकर। मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद मैं मिक्स करके इसे रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद से लास्ट में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ कसूरी मेथी। सो कसूरी मेथी को मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है और फिर हाथों के बीच। सो ये देखिए हमारा टोफू मलाई ग्रेवी एकदम रेडी हो गया है, वो भी होम स्टाइल लेकिन एकदम बाहर जैसे बना है। ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत हाई प्रोटीन होता है ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशन रिच कॉम्पोजिशन। तो ये बहुत ही अच्छा वे है, आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें। ड्यू टू डे लाइफ में आप इसे वीकली 2 बार कंज्यूम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। इसका और भी बहुत ही हेल्दियर वर्जन होता है। सो ये एक इंडियन स्टाइल का रेसिपी था, अगर आपको इसका हेल्दियर वर्जन होगा तो मैं उसको वो भी लेके आऊँगी आपके लिए। आपको अगर मेरा ये इंडियन स्टाइल टोफू मलाई ग्रेवी का रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल की वीडियो शेयर करें और टेम्पटिंग वीडियोस ऐसे ही मिलते जाएंगे आपको। सो बाय बाय।